This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirpha Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirpha Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. Today we are discussing chapter polynomials and its exercise number 2. तो देखो इसमें जो है ना बहुत कुछ है पढ़ने जैसा, लेकिन मुझे कभी कभी ये थोड़ा डर रहता है कि मेरे एक्स्ट्रा पढ़ाने से कहीं आपका जो बोर्ड का बुक है या बोर्ड का सिस्टम है वो कहीं बिगड़ ना जाए. तो इसलिए आज का लेक्चर जो है ना पूरी तरीके से आपके सीबीएसई बुक का हिसाब से रहेगा और वो पढ़कर आप बोर्ड का एग्जाम अच्छे से लिख सकते हैं. और कल परसों के जो लेक्चर होंगे वो इसी पे होंगे, लेकिन मैं आपको उसकी इतनी जबरदस्त और मैजिकल चीजें बताऊंगा जो आपके बुक्स में नहीं है. लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमको बोर्ड का एग्जाम भी देना है. तो पहले हम बोर्ड के एग्जाम में जैसा लिखना होता है, जो बोर्ड को चाहिए वो पढ़ लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेंगे. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल और आपका जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज जो है वो 2 नंबर की एक्सरसाइज है. लेकिन उससे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं, और वो सवाल ये है कि अगर मैं आपसे कुछ आपको कुछ यहां पे दे देता हूं, देखिए मैं आपको दे रहा हूं ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये दिया मैंने. और मैंने आपसे एक सवाल पूछा अब कि बच्चों ये जो मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर इज इट अ पॉलिनोमियल. तो आपको सोच के जवाब देना है. ये सवाल बहुत ही इलिमिनेटरी है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इलिमिनेटरी, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें बड़ा बनाती हैं. इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये जरूरी है कि हर छोटी चीज क्लियर हो जाए. तो इज इट अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को हां या ना बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो पहले तो आपको टर्म्स देखना पड़ते हैं, कितने टर्म्स है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म. फिर कोई बच्चा, अब ऑनलाइन है तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वो सारे सवाल जो बच्चों के मन में आते हैं उनका जवाब अपनी तरफ से ही दे दूं. अब यहां पर माइनस साइन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो माइनस साइन के इधर कुछ लिखा हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ है. तो प्लस और माइनस से सेपरेट होने वाले को टर्म्स बोलते हैं. मैं आपके लिए समझा देता हूं. देखिए अगर मैंने यहां एक्स लिखा, यहां प्लस और यहां वाई लिखा, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है. अगर प्लस के जगह माइनस भी लिया होता तो भी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म. लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा, अब ये x और y के बीच में न प्लस है न माइनस है, तो क्या होगा? यहां पर होता है मल्टीप्लीकेशन. और जब दो चीजों का, फिर चाहे वो वेरिएबल हो, ब्रैकेट्स हो या कुछ भी हो, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो उन दोनों को फैक्टर्स बोलते हैं. फैक्टर्स, ये पहला फैक्टर या दूसरा फैक्टर, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन. सो दीज आर वॉट फैक्टर्स एंड दीज आर वॉट टर्म्स. तो बताओ इस एक्सप्रेशन में ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, तो इसको दो टर्म्स है ना. वेरिएबल का पावर यहां 2 है, मतलब पॉजिटिव है. यहां कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल का पावर रहता है 0. तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल का पावर न निगेटिव है और न फ्रैक्शन है. तो जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर्स निगेटिव नहीं होते हैं और
फ्रैक्शन भी नहीं होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो एग्जैक्टली ये पॉलिनोमियल है. ओके ठीक है. अब इसमें कितने टर्म्स है? दो. तो टर्म्स को देखिए, टर्म को बोला जाता है नॉमियल. और दो टर्म है तो दो को रोमन लैंग्वेज में बोला जाता है बाय. तो इसलिए इसमें दो टर्म है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया बायनोमियल पॉलिनोमियल. तो ये बायनोमियल से क्या नॉलेज आपको मिलेगा? बाय मतलब टू, नॉमियल मतलब टर्म्स, कि ये एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर दो टर्म्स है. अब मैं कोई दूसरी पॉलिनोमियल लेता हूं आपके लिए, 3x² - 5x + 7. क्या ये पॉलिनोमियल है? देख लो आप, है ना. कितने टर्म्स है बताओ? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म. तो तीन टर्म है. तीन को क्या बोलते हैं? ट्राई. और टर्म्स को क्या बोलते हैं? नॉमियल. तो ये क्या हो गया? कौन सी पॉलिनोमियल? ट्राइनोमियल. इस पॉलिनोमियल को टर्म्स से काउंट किया जाता है तो ट्राइनोमियल. तो फिर अगर चार टर्म रहेंगे तो क्वाड्रा पॉलिनोमियल, है ना. खाली ये नाम और उसका मीनिंग आपको याद रखना है. अब इस पॉलिनोमियल में ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका हाईएस्ट पावर देखो कितना है, 2. तो इसका मतलब इसको और एक नाम पावर के हिसाब से दिया जाता है. तो जिस पॉलिनोमियल का पावर, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 2 होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या मीनिंग होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, इट्स अ पॉलिनोमियल हैविंग हाउ मच डिग्री? हैविंग डिग्री 2. तो टर्म्स कितने भी रहे, अब जैसे मैंने ऐसे लिखा fx = x², टर्म्स एक रहे, दो रहे, चार रहे, जितने भी रहे, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई. अब इसमें एक मैजिकल चीज बता दूं आपको, जो आपने पता नहीं आपने उस पर ध्यान दिया था कि नहीं, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है ना, 2, तो उसमें 2+1 से ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकते. मतलब अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, 5, तो उस पॉलिनोमियल को जब आप लिखोगे तो उसमें कितने मैक्सिमम टर्म्स रहेंगे? मैक्सिमम तो डिग्री कितना था? 5. उसमें 1 ऐड करो, 6. तो 6 मैक्सिमम टर्म्स रहेंगे, 7 टर्म्स हो ही नहीं सकते, 8 टर्म हो नहीं सकते. हाँ, लेकिन उससे कम हो सकते हैं. जैसे कि यहां डिग्री कितना है? 2. तो इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स होने चाहिए? मैक्सिमम 3. 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, लेकिन यहां एक ही टर्म है, तो 1 चलेगा, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं चलेंगे. अब मुझे बताओ, अगर मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, उसका डिग्री है 10, तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो सकते हैं? सिंपल, डिग्री में 1 ऐड करो तो आपको मिलेगा 11. तो 11 टर्म्स हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम 11 से ज्यादा टर्म्स आप ले ही नहीं सकते. तो इसलिए डिग्री का इंपॉर्टेंट बड़ा है. और मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट या बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर ऐसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, वी कॉल दैट पॉलिनोमियल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बोलते हैं टेट्रा
या क्वांटिक भी बोलते हैं इसको, क्वांटिक क्वांटिक पॉलीनोमियल नाम है डिग्री के डिपेंड। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, क्या नॉलेज मिलता होगा डिग्री जानने से? अरे वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है ना हमारे पास, वो क्या बोलता है आपको कि बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का रेफरेंस देके आप ये बोल सकते हो डंके की चोट पे कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन है उसके जीरोज कितने रहेंगे, एट द मोस्ट वन। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री टू है मतलब वो क्वाड्रेटिक है तो उसको कितने जीरोज मिलेंगे, रूट्स कितने, एट द मोस्ट टू। तो क्या समझा हमें, क्या नॉलेज मिला कि जितनी डिग्री होती है, टर्म्स नहीं डिग्री, उतने उसको रूट्स मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते, उससे कम हो सकते हैं। एट द मोस्ट बोला मैंने, एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोला मैं, लेकिन उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, दो है ना, तो उसको मैक्सिमम कितने जीरोस मिलेंगे, दो। क्यूबिक की डिग्री क्या होती है, तीन, तो उसको मैक्सिमम कितने जीरोस मिलेंगे, तीन। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें हो गई, अब हम आते हैं आपके एक्चुअल सिलेबस पर। एक्चुअल सिलेबस का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 2.2 का कि फाइंड जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दे आर आस्किंग फाइंड द जीरोस। सर लेकिन मेरे मुझे तो जीरो क्या होता है ये पता ही नहीं है, किसको बोलते हैं जीरोस या किसको बोलते हैं रूट्स? मैं बता देता हूं। ये देखिए, ये है आपकी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है ना, ये प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल में जब मैं x के जगह कुछ वैल्यू रखता हूं, समझो मैंने x के जगह 1 रखा, तो क्या होगा, जिधर जिधर x है उधर उधर 1 आएगा। ये देखिए, यहां x है उसके जगह 1 आएगा उसका स्क्वायर, इधर x के जगह 1 आएगा, और ये एज इट इज इट 1 स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 5 इंटू 1 इज 5 विथ नेगेटिव साइन, एंड ये प्लस 6, सो 1 माइनस 5 इज माइनस 4, दिस इज प्लस 6, एंड द सब्सट्रैक्शन दैट इज 6 माइनस 4 इज 2। व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1 इन दैट पॉलिनोमियल, देन दैट पॉलिनोमियल give me answer, final answer as a 2. If I will get this answer as a 0, then I will be happy. Because when you put any number in the polynomial and the polynomial itself becomes 0, then that number which you have put off, that number is called as a 0 of that polynomial or roots of that polynomial. तो हमें किसकी तलाश है, ऐसे नंबर्स की जो नंबर पॉलिनोमियल के अंदर जाएगा, कैलकुलेशन करेगा और आंसर देगा 0, उसकी तलाश है। और वो आपको ढूंढने बोला है आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। लेकिन कैसे ढूंढेंगे सर, कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास है ना, कितने नंबर्स है, अब एक एक को डालेंगे फिर देखो जीरो नहीं आया, फिर दूसरे को डालो एक्स के जगह, फिर कैलकुलेट करो, ओ ये भी जीरो नहीं आया। सुबह से लेके शाम तक क्या यही करेंगे हम, नंबर ले लो डालो जीरो नहीं आया, नंबर ले लो डालो जीरो नहीं आया। तो मैथ्स आपकी हेल्प करेगा, इसीलिए तो मैथ्स पढ़ते हैं। देखिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जीरो की, नंबर पुट इन द पॉलिनोमियल, चेक द आंसर, इफ यू विल गेट जीरो देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल।
But how to solve it? No. Because we have a lot of numbers, infinitely many numbers. And how it is possible physically that we are putting one by one number and checking whether I will get zero or not. भाई 12 घंटे के बाद भी हमको ऐसा नंबर मिला ही नहीं जो जीरो दे रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा. तो मैथ्स जो है ना उसका सोल्यूशन आपको देता है. तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं. ये आपके एक्सक्लूसिवली बोर्ड के जैसा है. तो इस लेक्चर को आप एक्सक्लूसिवली बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे. अगले लेक्चर्स में मैं इन्हीं एग्जांपल्स को अलग अलग तरीके से, शॉर्ट तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा. लेकिन बोर्ड यही मांगता है जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं. तो अभी क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि इन्होंने एक पॉलिनोमियल दी है और उसके हमको वो निकालने बोला है, जीरोज है ना, मतलब नंबर्स. तो मैं ना बड़ी ही खतरनाक नजरों से इस पॉलिनोमियल को देख रहा हूं और इसका जो हाईएस्ट पावर है ना ये 2 है. तो मेरे को समझ में आ गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. चलो है, आई एम इंटेलिजेंट. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 रूट रहते हैं, तो मुझे है ना 2 नंबर ढूंढने होंगे जो इसको 0 बनाएंगे. ठीक है. और मैंने पिछले वीडियो में आपको एक रूल बताया था कि देखो ये फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है, सेकंड का निगेटिव है. तो यहां पॉजिटिव टू निगेटिव साइन चेंज हो रहा है, इसको यस बोलो चेंज हो रहा है. ये निगेटिव है और उसके आगे का साइन पॉजिटिव है, तो यहां भी साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो जब पॉलिनोमियल में साइन जितनी बार चेंज होता है ना उतने उसको पॉजिटिव रूट्स रहते हैं. अब ये आपकी पॉलिनोमियल में देखो पॉजिटिव टू निगेटिव एक साइन चेंज हो गया, निगेटिव टू पॉजिटिव और एक हो गया, मतलब इसको 2 रूट्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव. और ये इसको रहेंगे कितने रूट्स एक्चुअल, ये डिग्री के हिसाब से 2, और वो दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव. तो अगर किसी ने बोला आपको कि क्या इस पॉलिनोमियल का रूट -3 हो सकता है, तो आप बोलेंगे बेवकूफ, इसका रूट -3 हो ही नहीं सकता. -3 तो क्या कोई भी निगेटिव नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि इसको ऑलरेडी 2 ही रूट होते हैं और साइन चेंज हो रहा है 2 बार, इसलिए इसको पॉजिटिव रूट रहेंगे. तो निगेटिव नंबर का रूट बनने का कोई चांस ही नहीं है. ये मैजिकल चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है जो बुक में नहीं होता है. तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस. लेकिन उसके पहले आपने ये तय कर लिया कि इसको 2 रूट है और दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि यहां साइन क्या हो गया, चेंज हो गया. ठीक है. अब सवाल ये है कि वो 2 नंबर जिसको हम रूट्स बोलेंगे इनका, हाउ टू फाइंड. तो आप रेडी हो बोर्ड का मेथड पढ़ने के लिए, तो आप आराम से पहले बोर्ड का मेथड पढ़ो. ठीक है. मैं आपको एक PDF फाइल भी भेज रहा हूं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी. तो देखिए क्या था अपना पॉलिनोमियल, P(x) = (x²-5x+6) था. ठीक है. तो अभी हम इसको जीरोस फाइंड करने के लिए ऐसा हम बाण मारेंगे, मतलब इट इंडिकेट्स वी स्टार्टेड आवर सॉल्यूशन. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसीडर लिखना है जिसके निकालना है क्या रूट्स, उसको इधर लिखो. लिखा, लिखते वक्त डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना. तो x का पावर 2 है तो उसके आगे की टर्म power 1 वाली हो, उसके आगे की टर्म उससे कम वाली हो. तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है और उसको है ना डायरेक्ट 0 बोलना है. अब आप बोलेंगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने 0 क्यों बोल दिया इसको, एग्जांपल में तो 0 नहीं दिया था. करेक्ट. इसी को मैथ्स बोलते हैं. 0 मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है बताइए, जीरोस मतलब रूट्स किसके, पॉलिनोमियल के. क्या रहता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर जो उस पॉलिनोमियल में डालने के बाद उसको क्या बनाता है, जीरो. तो मेरे पास कितने नंबर्स है, इनफिनाइट. तो
तो हर एक को मैं चेक कर सकता हूं क्या? नहीं। तो इसीलिए मैं नंबर को ढूंढने के बजाय उसको डायरेक्ट जीरो बोल देता हूं। तो जीरो बोलने से इक्वेशन तैयार होगा, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे वो सब मिलेगा जो मुझे चाहिए, तो फट से हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो, पहली स्टेप इक्वल टू जीरो। अब आपको देखो, ये जो x स्क्वायर है ना, हाईएस्ट इंडेक्स वाली टर्म, इसका कोएफिशिएंट कितना है? देखो कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये x का कोएफिशिएंट -5 है, और ये जो +6 है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्यों बोलते हैं कांस्टेंट टर्म? क्योंकि उसमें x है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट टर्म, ये और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इन दोनों का आप लेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसको लिखेंगे इधर। हमेशा ऐसा ही करना है। फिर यहां से आप ऐसे निकालेंगे दो एरो। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स मतलब वेरी सिंपल, पहले शुरुआत 1 से ही करना है। तो 1 इंटू क्या लिखेंगे तो आंसर 6 आएगा। 1 6 7, तो यहां 6 आएगा। ओके, फिर यहां 2 लिखिए। 2 के टेबल में 6 रहता है क्या? रहता है। 2 3 6, तो यहां 3 लिखिए। मतलब ये 2 3 6 हो जाएगा, 1 6 6। और क्या लिख सकते हो? 3 2 6 भी होगा, मतलब ये और ये सेम ही है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। 4 के टेबल में 6 नहीं होता है, 5 के नहीं होता है 6, हाँ 6 1 6, तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये और ये सेम है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। मतलब आपको ये दो पैर मिले, ऐसे दो नंबर जिनका गुणाकार मल्टीप्लिकेशन इतना आता, तो आपने ये लिया। अब आप सोच रहे हो कि अब ये दोनों का करेंगे क्या, ये दोनों में से किसी एक को लेना है, आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो किसको छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे? कैसे तय होगा ना? तो ये तय करेगा ये x का कोएफिशिएंट कितना है, -5। तो अब आपको इनमें से 2 का एडिशन इतना आना चाहिए, 5। ये माइनस को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए, ये 6 और ये 1 का एडिशन कितना आता है, 7 आता है। मुझे कितना चाहिए, 5, इसलिए इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। इनका एडिशन कितना आता है, 5, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सर, हमें तो -5 चाहिए। यस, जब आपको यहां माइनस चाहिए तो इन दोनों को आपको निगेटिव साइन देना होगा, ये देखिए, क्योंकि जब ये दोनों का एडिशन होगा तो -2 -3 -5 आएगा, और जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो माइनस माइनस प्लस होके 6 बनेगा, जो इतना है। इन शॉर्ट, आप नंबर के ऐसे फैक्टर्स ढूंढोगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा और जिनका एडिशन एक्स का जितना कोएफिशिएंट है, एक्स का जितना कोएफिशिएंट है उतना आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे ढूंढने की, क्योंकि इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर दी पर्टिकुलर फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, फिर ये जो पहला फैक्टर है ना, मतलब ये मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, मतलब -5x को छुट्टा करने का, छुट्टा, जैसा 100 रुपए की नोट दिए, छुट्टा 50-50 के दो, या 10-10 के 10, या 20-20 के 5 नोट, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी लेकिन छुट्टा बन जाएगा। तो ये -5x कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ दिस, तो स्प्लिट द मिडल टर्म, सो दिस कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस, लाइक दिस। व्हाट इज दिस? ये इतना ही है, उल्लू बनाया हमको, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि ये मेथड है, ठीक है। और ये +6 = 0, वाह वाह वाह, हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है, 3 टर्म थे, बीच की टर्म को स्प्लिट करके आपने कितने टर्म बनाए, 4। अब क्या करने का, ये जो पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन निकलता है, देखो कॉमन कैसे निकालने का, ये भी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, दो एक्स का गुणाकार मल्टीप्लिकेशन, इधर है एक्स, यहाँ 2 है, इधर 2 नहीं है लेकिन इधर एक्स है, इधर एक्स है, तो इसमें से एक्स कॉमन निकलेगा, तो इसमें से एक एक्स कॉमन निकला, मतलब इधर एक्स बचा,
ये माइनस का माइनस, ये 2x में से x बाहर आया, मतलब इधर 2 बचा, समझ रहे हो? अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? तो इधर तो x है नहीं, यहाँ x है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन 3 की टेबल में 6 होता है, तो माइनस 3 को हम लेते हैं कॉमन। अब ये देखिए, ये माइनस 3 इस टर्म को छोड़ के बाहर आ गया, मतलब इधर x आया, माइनस आपने कॉमन लिया है, ये प्लस है, तो प्लस में से जब माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज होता है, तो इसको 3 से मतलब 3 कॉमन लिया, तो इधर बचेगा 2 इक्वल टू 0। इन शॉर्ट ये जो माइनस 3 है, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इतना आना चाहिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इतना आना चाहिए, इतना ध्यान में रखना है। अब ऐसा करने के बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी मुझे इक्वल दिख रहा है, तो इक्वल दिख रहा है तो उसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये बाहर आ गया तो इधर बचा x, ये भी बाहर आ गया तो इधर बचा 3 एंड इक्वल टू 0। तो ये मिल गए आपके दो, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दीज आर दी टू फैक्टर्स। तो ये बोर्ड का यही तो मेथड है कि आपको तीन टर्म्स दिए थे 1, 2, 3 और आपने बीच के टर्म को स्प्लिट करके चार टर्म बनाए, पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से कॉमन, फिर एक कॉमन और फिर आपको मिला फैक्टर्स। अच्छा, तो फिर फैक्टर से क्या फायदा होता है? अरे भाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है। बताओ जीरो कब आते रहता है मल्टीप्लीकेशन? जब कोई एक जीरो होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो आ रहा है तो व्हाट इज योर लॉजिकल कंक्लूजन? या तो ये पहला ब्रैकेट जीरो होगा या तो ये दूसरा ब्रैकेट जीरो होगा, राइट? अब ये जीरो अगर बोलते हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? इसको उधर भेजो आप, ये प्लस 2 और एक्स ये माइनस 3 को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 3। तो यही तो आपके जीरोज या रूट्स हैं। सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक है 2, एक है 3। अब इन्होंने और एक उसमें एक एक्स्ट्रा सवाल उसी एक्सरसाइज में डाला है, अब याद रखो। तो हमारी जो पॉलिनोमियल थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसके जो रूट्स आए वो थे 2 एंड 3। तो रूट्स को हम थोड़ी देर के लिए, एक रूट को अल्फा बोलते हैं एंड वी कैन डिनोट अनदर रूट बाय बीटा। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज डिनोटेड बाय ए, एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज डिनोटेड बाय सी। सो कैन हैव एनी रिलेशन बिटवीन दीज कोएफिशिएंट्स ए बी सी एंड इट्स रूट्स अल्फा एंड बीटा? सो यस, एंड द रिलेशन इज sum of roots, ये roots is always equal to minus compulsory coefficient of x that is b divided by coefficient of x square. You can write this as a minus coefficient of x divided by coefficient of x square. This sum of roots and multiplication of roots is nothing but constant term divided by a. It means constant term of the polynomial divided by coefficient of x square. So you have to remember these two things. कि ऐसा होता है। और ये बोला है कि वेरीफाई करो कि ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना किसी पे भरोसा नहीं है, वो सर भी बोल रहे तो उस पर क्यों भरोसा रखें हम कि ऐसा ही होता है। लेट अस चेक, आपके पास ए है, बी है, सी है, अल्फा है, बीटा है, अब चेक करो सर क्या बोल रहे, सही है क्या? अब देखो अल्फा कितना है आपका 2, बीटा कितना है 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। अब आपका बी कितना है, बी माइनस 5, इसको यहां रखो माइनस माइनस प्लस 5 और ए कितना है 1, 5 अपॉन 5, 5 अपॉन 1, 5, तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया, तो इट्स वैलिड। इसको भी चेक करते हैं, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 3, 2, 3 जा 6, सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये भी हो गया 6, मतलब यार सही में सर सही बोल रहे हैं, इक्वल हो गया, इक्वल होता ही है। और आपको ये वेरीफाई करने बोला है सीबीएसई ने, तो आप जब
2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, आज करना है आपको, तो इसी मेथड से करोगे। तो बताओ मेथड में पहले हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल को जो डिग्री है, पहले हाईएस्ट डिग्री की टर्म, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी के फॉर्म में लिखिए और उसको इक्वल टू जीरो बोलिए। पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ, सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो, और कांस्टेंट टर्म साइन के साथ लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, उन दोनों का जुगाड़ करो। जुगाड़ मतलब मल्टीप्लीकेशन, उसको इधर लिखो और उसके दो फैक्टर्स। अब दो फैक्टर कैसे निकालोगे, 1, 2, 3 लिखो आप, पूरी लिस्ट बनाओ और उसमें से दो सिलेक्ट करो। कौन से सिलेक्ट करोगे, वो जिनका मल्टीप्लीकेशन उतना आता होगा जो आपने लिखा है, और उनका एडिशन उतना आना चाहिए जितना एक्स का कोएफिशिएंट है। फिर वो दोनों नंबर को बीच की जो टर्म है उसको स्प्लिट कर दो उनका यूज करके, फिर आपको कितने टर्म मिलेंगे, 4, है ना। और फिर पहले दो टर्म में से कॉमन, दूसरे दो टर्म में से कॉमन, यू विल गेट द आंसर। चलो और एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूं। तो देखिए, फाइंड जीरोस, और इसको रूट्स भी बोलेंगे आप, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी ले लेते हैं, कोई 3x square, ठीक है, 3x square के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 3x square, इधर पहले लिखता हूँ मैं +6, और फिर इधर लिखते हैं -9x। चलो ठीक, इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोज निकालना है, और क्या निकालना है, जीरोज, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज और रूट्स, बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए पहले हम जीरोज को ढूंढते हैं। कंसीडर पॉलिनोमियल लिखिए, ये स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट, देन ये एक्स का पावर और ये, और इसको इक्वल जीरो ही बोलना है हमेशा, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 3। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, +6। व्हाट इज इट्स मल्टीप्लिकेशन, 3 × 6 कितना रहता है, 18। ओके, नाउ स्प्लिट और फाइंड द फैक्टर्स, 1 तो इधर 18 आएगा, इधर 2, 2 9 = 18, इधर 3, 3 6 = 18, 4 के टेबल में 18 नहीं रहता, छोड़ दो उसको, 5 का नहीं, फिर 6 का रहता है, 6 3 = 3, लेकिन 3 6 और 6 3 = 3 एक ही होता है, तो बस इतने ही मिल गए। अब ये तीन में से आपको सिलेक्ट करना है, तो देखिए बीच में क्या है, -9, तो क्या इसका एडिशन तो 19 आता है, बहुत बड़ा आ गया, अपने को तो गरीब लोग हैं, हम 9 चाहिए, इसका 11 आता है, और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो 7 आएगा, मतलब एडिशन करेंगे तो 11 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7, मुझे -9 चाहिए इसका, हाँ ये एडिशन 9 देता है। तो अभी -9 के लिए दोनों को -- साइन दीजिए, इससे क्या होगा, ये दोनों का एडिशन -9 भी आएगा, और -- मल्टीप्लीकेशन +, रहता है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 भी आया, तो ये आपकी परफेक्ट जोड़ी है यहां इसको स्प्लिट करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट टर्म फिर एज इट इज लिखिए, 3x square, फिर -9x को स्प्लिट ऐसा करेंगे हम, तो ये आएगा -3x - 6x, लिखा हुआ -9x ही है ये, लेकिन जानबूझकर स्प्लिट किया गया, तो ये +6 = 0। ओके, अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 है, तो 3 भी कॉमन निकलेगा, इधर x भी है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ का 3 बाहर, यहाँ का 1x बाहर, मतलब यहाँ 1x बचा, माइनस का माइनस,
थ्री बाहर, एक्स बाहर, मतलब यहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब वन होता है. फिर यहां सिक्स कॉमन निकलेगा तो ये माइनस सिक्स कॉमन निकालते हैं. तो देखिए यहां बचा एक्स, यहां प्लस था, आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा और यहां बचेगा वन और इक्वल टू जीरो. अब ये दोनों में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी सेम है तो उसको भी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा ये 3x, ये माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट आइदर जीरो और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो. So if we solve the first equation, I'll get x equal to 1 and this 3x is equal to 6, therefore x is equal to 6 by 3 and therefore x is equal to 2. So this is the first root, this is the second root of this polynomial. Okay, now I want to check its relation. So coefficient of x square is always denoted by a. Coefficient of x jo bhi hai is denoted by minus 9. Constant term denoted by c, that is 6. First root denoted by alpha, that is 1, already we have calculated. And second root is 2. Ye ho gaya. Now, what is the relation? Alpha plus beta, it means 1 plus 2 equal to 3. And what is the equality with alpha plus beta? Minus b upon a, coefficient of x divided by coefficient of x square. So, what is b? That is minus 9. And what is a? A is 3. So, minus minus plus 9 upon 3 is 3. See, both are equal, means these are equal. Therefore, alpha plus beta is equal to minus b upon a relation is valid. Similarly, you can check alpha into beta is equal to c upon a. So, board ka ho gaya hai. To ye aapko aaj पूरी प्रैक्टिस करनी है और बोर्ड का पहले काम पक्का करना. वैसे हम और कल मिलेंगे, कल मैं आपको यही पढ़ाऊंगा लेकिन वो बोर्ड का नहीं रहेगा. उसमें है ना मजा है, उसमें मैजिक है, उसमें ऐसा डायनेमिक है कि तुरंत हम क्या कर सकते हैं या उसका मीनिंग और क्या हो सकता है. ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, कि अभी भी बता सकता था लेकिन हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों मेथड्स में या तीनों मेथड्स में. तो बेहतर है कि आज मैंने आपको एक ही मेथड बताई, दैट इज स्प्लिट द मिडल टर्म. और वो इस प्रकार से है, आपको और एक बार इसको देखना होगा तो आप देख सकते हो. और आपको आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2, that is polynomial, and exercise number 2.2, उसमें दो एग्जाम्पल है 1 and 2, उसमें का 1 नंबर आपको सॉल्व करना है, आज ही करना है. और अगर आपको वक्त मिला तो मैं आपको आपके या तो ईमेल पे या तो व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ मेरी बुक के कुछ पेजेस भेजूंगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. इससे वो एग्जाम्पल्स और वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो भी आपको इसमें हेल्प करेंगे. तो यहीं पे रुकते हैं और कल इन्हीं एग्जांपल्स को दूसरे तरीके से पढ़ेंगे जो बोर्ड में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है. तब तक खुद का ख्याल रखिए.